कुछ नहीं करते भाई। समझदारी की बात तो आप सब लोगों ने की, उसको बताने को आ गई। उत्तर प्रदेश पश्चिम कांग्रेस कमेटी में यूथ में महासचिव का पद लायक मिला है, चुनाव लड़ाए और जीते हैं, इसके लिए इनका स्वागत समारोह हमने आयोजित किया है। यूट्यूब पर चमकोगे इधर 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 को इधर को सब आएंगे सब क्या है बहुत जल्दी लोकसभा में जाओ तुम करीब रखो भीम चीफ आज क्या बात क्या तो किसी का नाम भूल गया क्या तो किसी का नाम भूल गया तो भाई आ जाए नाम तो बोल लेंगे लोगों के है भाई नाम बोल रहे हो कौन है बढ़िया ना कर रहे भाई नवाज भाई रह गए
यतीश भाई खा जा रहा हो, आ जाओ मिठाई भी, आ जाओ बढ़िया से। और ये रह गए हमारे सर्वर भाई, बड़े हेलो ले दिए ऐसी ऐसी बना बिक्की भाई आए और माल्यार्पण करें कर दिया, बड़ा फाट चल लिया कर देंगे इतिहास रहा है, 100 साल इतिहास रहा है,
और कुर्बानियां रह गया गांधी जी ने कुर्बानी बलिदान देकर इंदिरा जी ने कुर्बानी दी राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी और कांग्रेस की एक नीति है धर्मनिरपेक्षता हम हमारा कोई धर्म नहीं है हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं सभी लोग हमारे यहाँ बराबर हैं सबको एक साथ लेकर चलने की परंपरा है तो कांग्रेस का 100 साल इतिहास है कि किस तरह से लड़ाई लड़ी आपने सब देखा है और दो चार शेरों से बात करनी आज जीवा वो याद कर लो कोई बात याद कर लो ना रही कोई बात ना उम्र का उम्र की आप भूल ना जाना तुम इंद्र की उसमें जो शहादत को और भूल ना जाना तुम जनता की ताकत और अदालत वोटों की खातिर अगर तुमने साथ दिया गद्दारों को कुर्सी की खातिर अगर तुमने माफ किया गद्दारों को भारत का बच्चा बच्चा बागी बन जाएगा और बागी जो उनकी आंधी में सिंहासन हो जाएगा भारत के सिंहासन पर रहना तो देश जय हिंद हमारे बीच अभी हमारे पार्क के अध्यक्ष अली जनाब इज्जत मोहतरम संदेश शर्मा जी उसी कड़ी में नौजवान साहब महामंत्री इस बार हमारे बीच में पूर्व सचिव संदेश शर्मा जी मैं जिनका दिल से सम्मान करता हूँ हमारे बीच में है यादव जी और ईशान पाशा जी मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमरा चलो मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमरा चलो मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों की आज मेरे साथी मेरे सीनियर जबकि मेरा ये मुकाम नहीं लेकिन अभी जैसे मेरे पास फोन आया तो मुझे ताज्जुब हुआ और एक अजीब सा मुझे ये सोचने में मैं मजबूर हो गया त्यागी जी के यूथ कांग्रेस के महामंत्री प्रदेश के हमारे ईशान पाशा जी बने हैं और बार के अंदर मुकाम हो रहा तो यकीन कीजिएगा मैं यहाँ तक आते आते मैं ये सोच रहा था कि हकीकत में आज जो हमारी बात है वो उनका जहन खुला हुआ है आज ये खुले जहन की बात है वरना मैं ये समझता हूँ मेरे 25 साल की प्रैक्टिस है इस प्रैक्टिस में पहली बार कोई कांग्रेस का पदाधिकारी और यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा हूँ तो मुझे बड़े गर्व की बात है और मैं अपनी बात का दिल से स्वागत इस्तकबाल और क्योंकि यही हमारी एक पहचान है यही हमारी एक परंपरा है क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं हमारे अंदर छोटा और बड़े और भेदभाव नहीं होने चाहिए आज जहाँ तक नफरत की दीवार की बात है तो मुझे ये कहने पर थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होगा कि आप और हम देख रहे हैं कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर के साथ बैठे हुए हैं ये बैठने का अधिकार अपनी बात कहने का अधिकार और जो हम और आप एक 10 रुपए के पोस्टल आर्डर के ऊपर पूरे मुल्क का हिसाब ले लेते हैं ये तमाम चीजें जो है अगर हम देखें बगैर किसी भेदभाव के किसने भी है आज आप और हम ऐसा नहीं है ये भारत इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज मुल्क के अंदर हमारी एक इज्जत है एक शान है ये कुर्बानियां किसकी है कोई इसमें संकोच नहीं है कि हर आदमी यही कहेगा आजादी से लेकर आज तक इस मुल्क के अंदर देश की एकता रक्षा के लिए
देश को मजबूत रखने के लिए, देश की राजनीति को मजबूत रखने के लिए कांग्रेस के जहांबाज सिपाहियों ने कुर्बानी दर कुर्बानी अपनी दी है। क्योंकि आज ये मौका पार्टी के ऊपर बोलने का नहीं, बस मैं यही कहते हुए कि आज बाहर के लोगों का अपने मैं दिल की गहराई हो सकता है, मैं अपना विश्वास कह नहीं पा रहा। वाकई में मुझे बहुत खुशी है कि आज इस बार रूम में पहली मरतबा 25 साल के बाद हम लोगों में भी बार रूम रहा और आज यहाँ पे भी बार रूम है, लेकिन आज तक कांग्रेस के किसी सिपाही का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। तो संजय शर्मा जी और पूरी बार के लोग काबिल तारीफ है। इसी के साथ क्योंकि मैं बता दूं अपने मेरा भतीजा और संजय शर्मा के वालिद झा साहब, मैं बहुत छोटा था, सन 84 की बात था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस वो पार्टी थी, ये कुश्ती के गले में भी अगर पकड़ डाल दिया ना तो कांग्रेस का सिपाही जीतता दिया, लेकिन बहुत की रात नहीं होनी है। तो मैं इनके वालिद को, ये परिवार है, ऐसा परिवार है संजय शर्मा जी का, कि हकीकत बात यह है कि ना इनके अंदर छोटा है ना बड़ा है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, आज भी ईद और बकरीद पर देख ले आप, होली और दिवाली पर देख ले आप कितने फूल इनके पास आते होंगे। तो यह पहचान हम लोगों की और यह पहचान हमारे गुरु की कि हम लोग जो है आपस में जैसे भी है चाहे कुछ भी करें लेकिन आपसे एकता रखता जो है हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मैं मिसाल लेता हूँ, कभी कभी अगर आज भी कोई महिला बुर्के में ही हो जाए, अगर खड़ी हुई है बस के अंदर सफर कर रही है, तो हमारे मुल्क की ये पहचान है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उस महिला को जन्म देता है। यह हमारा मुल्क, हमारे मुल्क से आपसी में हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए तालियां बजे होटल हुआ महासचिव साहब, पूर्व अध्यक्ष यादव जी, पूर्व सचिव संजीव शर्मा जी, देखिए ये जो अपना देश है, आवाज कम आ रही है, थोड़ा पास कर लो माइक, कम आ रही है। इसमें डेमोक्रेटिक सेटअप से ये गवर्न होगा और डेमोक्रेटिक पैटर्न में सिस्टम में जो पॉलिटिक्स को चूज कर लेता है वो ही इंटेलिजेंट होता है। देखिए ये जो है जैसे मान लीजिए योगी है, अब इसका जो जिगर है वो यही तो है कि पॉलिटिक्स में आ गया, बाबूवर के टीचर हो जाते तो कोई पूछता भी ना। तो ये है पहली समझदारी तो ये थी, लेकिन जीशान की समझदारी मुझे सबसे बड़ी मुझे सीनियर से माला गिरवा लिया। हमें आते आते 35 साल हो गए। अब जो है तुम्हारी भी या किसी की भी जाते होती नहीं है, बहुत चंद समय का समय होता है बस होती है। इसमें ऐसे नहीं कि लट्टू छज्जू की जमानत
लीडर बना दिया तो उसकी वैल्यू सुन, और हम लोगों को भी किसी ना किसी पार्टी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और पॉलिटिक्स का करने का तरीका ये है कि या तो संगठन में आओ या चुनाव लड़ो, तो या तो आप वैसे आओ एमएलए एमपी का चुनाव लड़िए, या अगर इतनी गुंजाइश नहीं है तो फिर अपने उसमें संगठन में आओ, जिससे जो है थोड़ा सा आप बने रहोगे, उसमें बने रहोगे जारी बढ़ेगा। तो हम लोगों को भी सब लोगों को इसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी चमक बनाने के लिए, क्योंकि एक सीमित समय है इसमें, उसमें अपने आप को दिखाना है या बुझ जाना है मर जाना है ऐसे। तो ये सब चीज को हमें थोड़ा गौर करना चाहिए और अपने संगठन को यहाँ मजबूत बनाओ, जैसे अपने एडवोकेट का मामला है उसमें यहाँ की यूनिटी को मजबूत करो, यहाँ पर प्रोग्राम बनाओ। अब जैसे ये है कि चुनाव आने वाले हैं, तो हमारी बात को मेरा सुझाव ये है इनवाइट करो मुख्यमंत्री को, इनवाइट करो उसे कुछ लेने की बात करो, चुनाव आ रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने की बात करो, यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जाए उससे मिलो, महिला अधिकारी बन गई को प्रोग्राम बनाओ, डिनर का प्रोग्राम रखो, सब लोगों का मिलने का मामला रखो, ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ो और अपने आप को मजबूत बना के चलो। देखो टीचर्स की पोजीशन कुछ नहीं थी, उनके लीडर्स ने उनको कहां पहुंचा दिया। टीचर्स की पोजीशन 350-450 ऐसे थे, मतलब ये समझ लो कि बुरी हालत थी, उनके लीडर्स ने उनकी कहां पहुंचा दिया, उनकी सैलरी कहां है। तो हमें अपने लोगों को मजबूत के सेंटर में कभी साउंड पोजिशन करनी है हम लोगों को। अगर आप देखिए आपकी जब आपके आर्थिक पक्ष होती है, अगर आपका आर्थिक पक्ष कमजोर, आप समाज आपकी जो चेक करेगा वो आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से करेगा। हम वहां पर बहुत देते रहो, बहुत से लोग तुम अंदर सोफे में बैठाएंगे, अपने अंदर अपने बेडरूम बैठाएंगे, गेस्ट रूम में लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पोजिशन देखेंगे आपकी आर्थिक पोजिशन मजबूत है, ठीक है नहीं तो बेकार है। तो ये है अपने लोगों को ये करना चाहिए मजबूती के साथ, थोड़ा सा सोच विचार के ये आगे बढ़ो और अपने संगठन को मजबूत बनाओ और अपने आप को मजबूत बनाओ और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करो। मेरा ये मेरा सुझाव है, अब जैसे चुनाव आ रहे हैं करो प्रोग्राम बुलवाओ। इन्विटेशन का देखिए ऐसा होता है कि अगर आप किसी को इन्विटेशन देते हैं तो वो मात्र एक बार नहीं भी आएगा, सारा विचार तो करेगा उनके हाथ में सब कुछ, भाई उनके हाथ में तो है। वो आईएसआई इनका इनका सुना पीसी इनका कुछ ना है, तो विचार नौकरी कर रही है इनका कुछ गवर्नमेंट नहीं होते, इनकी पूरी हालत है। इनका तो यह है कि कुछ पता ही नहीं चार तीन से तीन दिन से मत करो, इनको जो है कॉलेज जो नहीं है। हमारे पूर्व सचिव संदीप शर्मा जी सर रोज गंगा की भेंट आए और उसने शमशेर भाई बैठो कहाँ जा रहे हो, ये युवा है हमारे लिए जो भी रात जो हमें तरक्की करते हैं, ये जो है मेन बॉडी बने युवाओं के साथ हमारी बहुत। हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश यादव जी से अनुरोध करेंगे कि वो आए और अपने विचार। और
प्रणाली पीछे है। हमारा जब कोई आदमी किसी भी पार्टी में, क्योंकि विचारधारा अलग होगी, जहां भी 10 विचारक होंगे वहां 11 मत होंगे, क्योंकि 10 मत तो उनके अपने होंगे कुलपित पान है और 11 मत को सबसे मिलकर आए। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस का नेशनल नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, सबका लाभ होता है, बड़ा हर्ष का विषय है कि पहले एक समाजवादी पार्टी बड़ा पद देख रहा है, दूसरे अधिवक्ता महोदय कांग्रेस में पद देख रहा है। और देखिए इसका हमारा लाभ भी मिलता है, जब यहाँ पर जिले के लिए संघर्ष कर रहे थे तो पंक्ति थे हमारे बीच से एक कोचिंग था, उसको बातचीत ने भी उसका हमें लाभ ये मिला, हमने उनसे बातचीत की थी जब यह उद्घाटन हुआ तो पुलिस ने हमारे साथ पूरा सहयोग किया, ये उसी का परिणाम है। हम जब कोई हमारा आदमी किसी भी संगठन के ऊपर जाता है, किसी भी दल के ऊपर जाता है, उसका हमें लाभ मिलता है और हमें लेना भी चाहिए। ये प्रेरणादायक बात है कि हमारे नवयुवाओं की जो है विभिन्न दलों में पद हासिल कर रहे हैं, इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है और संरक्षण भी मिलता है। रही बात एमएलए एमपी लड़ने की, देखिए अब जब एमएलए एमपी आप भी लड़ सकते हैं, कोई ऐसा दोष नहीं है और कई उसमें जो है रहे भी हैं, पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो, की ऐसा नहीं है, टीचर्स से हमारी तुलना नहीं की जा सकती, टीचर्स के मुकाबले आज भी हमारी संख्या ज्यादा है ऊंचे पद। अब मैं इसी के साथ तो बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई निशांत पाठक। कार्यक्रम बढ़ाने से पहले मैंने संशय करी एडवोकेट और एजेंडे बंदोड़ी एडवोकेट से अमन का स्वागत करना रहेगा ना, दो भी स्वागत करें। हाँ उठा दो, तो जाओ कौन जाओ, चलो चलो एक मिनट सर, इधर इधर बढ़िया आ जाओ, समझो आ जाओ। इसके बाद साथ में हमारे आयोजन में सचिव साहब से अनुरोध करूंगा कि बहुत पानी से वो आए तो हमने विचार रखें। अति सम्मानित सदन, बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा की तरफ से हमारे बार के सदस्य श्री जीशान अहमद तुर्क साहब को यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव बनने पर बार की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बार उससे पूर्व भी समाजवादी के जितेंद्र बिरूड़ी जी जो विधिवत कोष के महासचिव बने थे, उसी क्रम में आज हम जो कार्यक्रम है बार की ओर से यूथ के जो राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, और उससे पूर्व कभी भी यहाँ बार की तरफ से कोई प्रोग्राम, किसी अगर कोई बार का सदस्य किसी पार्टी में पद ले लेता था, नहीं मनाया जाता था, उसका स्वागत नहीं कराया जाता था, लेकिन एक नई परंपरा इस बार इस काल में पड़ी है, बहुत अच्छी परंपरा है, इससे बार एक सशक्त होती है, मजबूत होती है। आज कभी सरकार आएगी, इन्हें सम्मान मिला है बार के द्वारा, और जब सरकार के मुख्य रूप में मुख्य धारा में पहुंचती है, बार का कोई अगर काम होता है सरकार के द्वारा तो वो मनवाने में हमारा सहयोग करेंगे, जैसे पूर्व हमारे अध्यक्ष महोदय यादव जी ने बताया। इसलिए हमें पार्टी से नहीं, हमें तो व्यक्तिगत उस आदमी से लेना है जो हमारे बार का मेंबर है। मैं एक बार फिर अपने जीशान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। अपने विचार रखें, मैं आप सभी मेरे गुरुजन हैं, आप तो मेरे सीनियर हैं, मैं आपसे आप सभी से मैं इतना खुश हूँ आज, मैं जितना आपने मेरा मान सम्मान किया है, मैं आज तक मेरा मान सम्मान तो किसी मंच पर नहीं हुआ, या तो कांग्रेस के मंच पर हुआ है, या आज यहाँ बार एसोसिएशन ने मुझको एक सम्मान दिया है। मैं कांग्रेस में 2006 में आया था, बहुत मेहनत की, राहुल के साथ पदयात्राएं भी की, अब बीच में कुछ परिस्थितियाँ हुई, कुछ चेंजिंग आई, इधर उधर भी गए,
और कांग्रेस ने फिर उसको दोबारा मौका दिया। मैं चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद फिर मैं यहाँ पहुंचा। कल रिजल्ट घोषित हुआ हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, इसमें लगभग प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हुआ, महासचिव हुए, जिला अध्यक्ष चुनाव हुआ, जिला महासचिव का हुआ, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर चुनाव हुआ। इसमें मैं प्रदेश महासचिव पद जीत कर आया हूँ। लगभग हम महासचिव बनने वाले आगे कुछ लोग थे और हम काफी लोग हम जीते हैं और कमेटी बनी है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं पहुंचाऊंगा अधिवक्ता होने के नाते, मैं सबसे पहले अधिवक्ता को साथ दूंगा। जहाँ भी हूँ पार्टी के साथ साथ रैगिंग में अधिवक्ता का भी पूरा अपना सम्मान सम्मान करूंगा। मैं आपको बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बहुत ज्यादा सम्मान दिया। मैं इसके लिए सदा आभारी रहूंगा। अब समापन भाषण के रूप में अरण्य अध्यक्ष जी का भाषण है और उसके बाद निर्माण जी का। हमारी भारत की पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ जी और वर्तमान में सचिव भोजपा जी, पूर्व सचिव विजय सर को संजीव शर्मा जी और सभी उपस्थित मेरा अभिवादन। सबसे पहले तो मैं अपने मेंबर जीनामानी जी पर बड़े हृदय से स्वागत करता हूँ। इस प्रार्थना के साथ, कोई उम्मीद और आशा के साथ कि आप दिन प्रतिदिन ऊंचाई पर बढ़ेंगे। यहाँ पर मेरी अपनी विचारधारा है, मैं सिर्फ अपना परिवार आप सबको मान और जब भी मुझे अनुमान है, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं कि कौन किस पार्टी से है, बीजेपी से है, कांग्रेस से है, बीएसपी से है, समाजवादी से है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये कि हमारे बीच का मेंबर आए। तो इसलिए मैं इन्हें हृदय से सम्मान देता हूँ। और ये मेरे चैम्बर में बैठते हैं और हमारे मेरे बेटे अब्दुल जी और ये नावे आहत और ये किसान भाई सब आपस में मित्र हैं। जब से किसान भाई मेरे संपर्क में आए तो एक विशेषता मैंने इंजन कर पाई, जो मैंने इसे जो है चैम्बर में बताया कि अच्छाई और बुराई में डिफ्रेंशिएट करना बहुत अच्छा है, कि ये बात उचित है, ये बात अनुचित है, सोच बहुत अच्छी है। और शायद यही इनके विचार इन्हें बड़ी मैं वो बहुत भुगतान ये है। और एक बात मैं आपसे मेरा और निवेदन है और मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप जितने भी पूरे वार्ड मेंबर्स हो उन्हें ये बता दें कि अनावश्यक आलोचना नहीं होनी चाहिए, कि हर बात में आलोचना। अगर किसी व्यक्ति को जरा सा डाउट है तो वो किसी भी समय मुझसे पूछ ले, हम सचिव महोदय से पूछ ले। मगर अनावश्यक आलोचना करना, जो बात उचित नहीं है वो यहाँ बताना वहाँ बताना, तो उससे जो है ना आपस में प्रेम हो जो सम्मान होता है कम होता है। आज ये एक्सपेंस हो रहा है, इसके बाद कोई मतलब नहीं है। ये सब हमारे जो है वो जो नावेद है, जो जूनियर है, नावेद है, ये बेटा कोशिश है, इन्होंने किया है। मुझे अभी ये हमारी बात सुनने भाई साहब जो हमारे बोल रहा होगा गहरा होगा के साथ, ये जो जो बाढ़ का अमाउंट है उससे हो रहा पैसा नहीं। अगर किसी मेंबर को स्वप्न में भी डाउट पैदा हो कि बाढ़ के पैसे का मिसयूज हो रहा हो, मेरे पास आ जाए, मेरे पास ना आए तो जो हमारे सचिव महोदय हैं उनसे स्पष्ट पूछ लें, ना वो बुरा मान लिया उतना ना। अभी मतलब आपस में नहीं होना चाहिए। और भाई मेरे लिए तो भाई सब बड़े सम्मानित हैं और जिन्होंने मुझे अनुमाया होगा वो मेरी दिवाली बात जानती नहीं होगी। मेरा परिवार तो सब आप हैं और जितना मुझे आनंद आप सब लोगों के बीच में आता है इतना इतना मुझे आनंद है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं फिर बधाई देता हूँ और किसान भाई।